हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज हम बात करने वाले हैं यूनिटेक के बारे में। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि यूनिटेक का रिजल्ट्स कब है, तो उसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। और सबसे ज़्यादा अचरज की बात ये है कि इनके रिजल्ट्स आएंगे लेकिन डिविडेंड भी रिकमेंड करने वाले हैं। ये एक अच्छी बात है यूनिटेक की तरफ से। और इनके रिजल्ट्स कब है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेटर भी मेरे पास है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये चल रहा है 4.58 के ऊपर, और 4.25 ये लो पे है, मीन्स आप समझ लीजिए लो पर ही चल रहा है, और 12.25 का हाई है। तो इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं काफ़ी बुरी तरह डाउन हुआ है इन कुछ सालों में, 1203 के करीब है। EPS माइनस में है, -1.09, लेकिन अब जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे उसमें पता चलेगा कि ये कंपनी फिर से जो है प्रॉफिट में आ रही है, मींस डिविडेंड दे रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। और डिविडेंड गए कुछ सालों में इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन अब ये डिविडेंड देने वाले हैं, तो उसी पर सबसे ज़्यादा नज़र रह सकती है। और 2 रुपये का फेस वैल्यू है इसके। लास्ट फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो इनका जो टर्नओवर सेल्स का वो बड़ा है, वो एक अच्छी पॉइंट है। और आने वाले अभी ये जो समय में कैसा इनका टर्नओवर होता है और प्रॉफिट कैसे होते हैं उसके ऊपर जो है यूनिटेक पूरा निर्भर अब रहता है। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है -56 का था लास्ट टाइम, लेकिन अब ये डिविडेंड भी रिकमेंड करने वाले हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं ये मैंने यूनिटेक का लेटर निकाला है, तो इन्होंने लेटर में लिखा है कि इनका जो फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च 2018 का जो रिज़ल्ट है क्वार्टर का, और ईयरली बेसिस पे 30 मई 2018 को बोर्ड की मीटिंग है, और उसी में जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर लिखी है डिविडेंड के लिए, तो ये डिविडेंड भी रिकमेंड करने वाले हैं। तो ये एक सबसे बढ़िया बात है यूनिटेक के लिए डिविडेंड। तो यही आपको देखना है कि कितना ये डिविडेंड देते हैं और इनके रिजल्ट्स कैसे हैं, तो उसी के ऊपर जो निर्भर रहने वाली है ये कंपनी। अगर फिर से ग्रोथ ट्रैक पे आ जाती है तो बेहतर हो सकता है शेयर होल्डर्स के लिए। तो आज इसी के बारे में बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और सबसे पहले अगर आपको जल्दी पता चल जाए कि रिजल्ट्स और बोर्ड मीटिंग में क्या होने वाला है, तो आप भी मीन्स थोड़ा पहले से ही तैयारी कर सकते हो इन स्टॉक्स में। तो चलिए आज इतना ही बताना था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहें। चलिए, थैंक यू।